रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चस्के धर्मशाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आलू के चिप्स पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो आलू लिए हैं, उनको इस तरह से काट लेना है, यानी गोल गोल काट लेना है उनको। आलू काट लेने के बाद हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। बेसन आपने आलू के मुताबिक डालना है, बहुत ज़्यादा बेसन इसमें इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आपने इसमें पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। बेसन डालने के बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं और आलू के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इसमें मिर्चें शामिल करेंगे, पर तकरीबन मैंने आधी के करीब टीस्पून मिर्चों की शामिल की है। मिर्चें डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका मिक्सचर बना लेंगे। आपने ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करें, बेसन और नमक मिर्चें वगैरह आलू के साथ चिपक जाएं। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर वो आलू के साथ नहीं चिपकेगा और ऐसे ही रह जाएगा। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक बर्तन में ऑयल या घी गर्म करना है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए आपने इसमें आलू के स्लाइसेस डाल देने हैं। उसके बाद आपने इनको पकने देना है और जब ये पक जाए तो उन्हें छोड़कर बाहर निकाल लें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कांडी से सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। मैं भी आपको इसके फाइनल लुक दिखाऊंगी। करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखिए जी फाइनल लुक। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में, तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।